वैली में जम्मू में शायद इतना नहीं हो पाया, मगर कश्मीर वैली में हम लोगों ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया था उस वक्त, उसका बेनिफिट अब दिखाई दे रहा है जब कंपैरिजन में सबसे बड़े यूनिट के तौर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले जो पंचायती चुनावों के भी रिजल्ट जो कल कंपोज हुए हैं, उसमें भी बाय एंड लार्ज पूरे रियासत में, लद्दाख में, जम्मू में और कश्मीर में जो बड़ी तादाद में पंच और सरपंच हजरात कांग्रेस पार्टी के जीत के आए हैं, ये दोनों चीज़ें देखकर, क्योंकि असेंबली अब डिसॉल्व हो ही चुकी है, चुनाव की तैयारियां हर हालत में अप्रैल और मई में होने की है, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। और जैसा कल भी आपने पूरे मुल्क का एटमॉस्फेयर देखा, हम पहले से कह रहे थे कि नफरत की सियासत इस देश में चल नहीं सकती है और डिवाइसिव पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चल सकती है। जो नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी ने 4.5 साल से इस मजबूत देश को बाइफरकेट करने की, डिवाइड करने की जो सियासत चलाई थी, उसका जवाब जिस बड़े पैमाने पर कल एक स्ट्रॉन्ग हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों ने जो जवाब दिया है, ये सिलसिला, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिलसिला 2019 पार कर जाएगा और 2019 में भी कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और देश को इकट्ठा रखने की जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी में, देश को आगे बढ़ाने की जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी में, देश को मतलब नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात जो है, युवाओं, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की बात है, गरीबों को जो डेवलप करने की बात है, वो कांग्रेस पार्टी में वो सलाहियत है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में। और अंत में मैं इस कल की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट बेशक तरीके से राहुल गांधी को देना चाहता हूँ, क्योंकि 4.5 साल से लगातार वो इतने बड़े मंडेट वाले 56 इंच वाले छाती के सामने खड़े थे, जो देश में इश्यूज उभर के आ रहे थे, जो लिंचिंग्स हो रही थी, जो युवाओं को नाइंसाफी हो रही थी, महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा था, उन सारे इश्यूज को राहुल गांधी 4.5 साल लगातार लोगों के साथ में थे। वो अन्य लीडरों की तरह खाली चुनावी सभाओं को भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि 4.5 साल जब लोग मतलब मजाक भी करते थे, इनकी पार्टियां मजाक भी करती थी, तब भी राहुल गांधी किसी तरह से पीछे नहीं हटा और देश की जनता की